हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आइए इस वीडियो में बात करते हैं एक मामले की। मामला है हमारी राजधानी दिल्ली का, जी दिल्ली का, जिस जहां पे एक मीट व्यापारी की पुलिस वालों ने पिटाई की और उसके मुंह पे पेशाब कर दिया गया और कोर्ट ने आज उनकी जमानत को खारिज कर दिया है। आपको बताएं कि कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों पर न्याय करने की जिम्मेवारी है, अगर वही लोग ऐसा काम करें तो उन पर रहम करने की कोई गुंजाइश नहीं है और उनकी ज़मानत को खारिज कर दिया है। इस मामले के रिगार्डिंग बोलते हैं कि 1.5 महीने पहले क्या होता है कि नवाब और सोहिल गाजीपुर मंडी से मीट लेकर आते हैं। आनंद विहार के रेड लाइट पर इनकी गाड़ी को स्कूटी से पीछे से टक्कर दी जाती है। इतनी देर में पुलिस भी आती है और पुलिस इनकी पिटाई करती है। इनको थाने ले जाने की जगह एक अनजान जगह पर ले जाती है और जब इनकी हालत मरने के करीब हो जाती है तो इनको अपने घर वालों को सौंप दिया जाता है और इसके बाद पुलिस पे FIR की जाती है। और पुलिस पे FIR जब की गई और एडवोकेट जफरुद्दीन बाबर जो हैं दिल्ली के, उन्होंने बोला कि कोर्ट ने इनके केस लड़े थे इनके खिलाफ और उन्होंने कहा कोर्ट ने इन पांचों की जमानत को खारिज कर दिया है। इन पांचों के नाम थे सोमपाल, संदीप, अमित कुमार, चंद्रबहन और अमित। इन पांचों की जमानत को खारिज कर दिया गया है और ये पुलिस के कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन दिया है। और आपकी क्या राय है इस मामले में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।